नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे भगत मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत धरहरा, सभी पंचायत वासियों को इस दशमी दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही मैं दीपावली पर्व के लिए भी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका, आपके साथ है MS परदेसी जी। बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत पंचायत धरहरा में हम हैं और ये बिहार सरकार भवन पंचायत भवन है और यहाँ पर जो आज जन संवाद कार्यक्रम हो रही है, इसमें सारे विभाग के लमसम सारे ऑफिसर्स जितने भी स्टाफ हैं वो आए हुए हैं। लोगों को बता रहे हैं कि कौन सा योजना में क्या आपको मिल सकती है और कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आप नहीं जानते, उनका पूरा संवाद किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है। आइए अंदर का हालात देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा सरकारी कर्मचारी क्या बता रहे हैं। भेंट नहीं होता था और जमाबंदी कर्मचारी लाल दस्तवा में काम कर करके कांच में ले करके घूमता था, साइकिल में घूमता था, कहाँ रहता था कोई जानकारी नहीं होता था। और अभी हमारा राजस्व विभाग सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, आप ऑनलाइन रसीद कटा रहे हैं। पिछले साल जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तो बिहार में सबसे अधिक बनमनखी राजस्व लगान देने वाले राज्य में पहला स्थान हुआ था। तो आपके कृपा से अनुसार हुआ था, 180 लाख केवल ऑनलाइन रसीद आपने कटाया और आज हमारा 80% जमाबंदी हमारा अपडेट हो गया है। आप बैठे बैठे ऑनलाइन से देख सकते हैं, ऑनलाइन से रसीद कटाते हैं, ऑनलाइन से LPC बनाते हैं, सारा काम ऑनलाइन करते हैं। और ये आपका आपके कृपा के अनुसार आपके सहयोग से हम आज राजस्व विभाग में इतना परिवर्तन किए हुए हैं। राजस्व विभाग केवल ऑनलाइन रसीद ही नहीं, परिमार्जन के तहत आपने उसमें अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो वह सुधार किया जा रहा है। ऑनलाइन म्यूटेशन दाखिल खारिज की प्रक्रिया किया गया है, आप कर्मचारी के पीछे दौड़ते थे, आपका काम नहीं होता था, अभी आप ऑनलाइन म्यूटेशन डालते हैं। अप्रैल 2023 से हमारे विभाग इसको फी पर लागू किया है, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आवेदन डाला है उसका पहले निष्पादित किया जाता है, चाहे आपके आगे कितनों VIP क्यों नहीं है, पीछे क्यों नहीं है, आपका नंबर जिस दिन आ जाएगा आपके लॉगिन से आपका काम निष्पादन कर दिया जाएगा, इसमें कोई कमी नहीं है। आपका 10 डिसमिल जमीन है, अगर 1 डिसमिल बेचिएगा तो आधार लिंक है तो आपके मोबाइल में आ जाएगा कि 1 डिसमिल हमारा घट गया। आप निश्चिंत होइएगा कि हमने जो बेचा है वह जो खरीदा है वह म्यूटेशन करा लिया है। सारा जानकारी पारदर्शी करने के लिए कार्यक्रम है। माँ ऑटोमोटिव बजाज शोरूम बनमनखी की ओर से विजया दशमी के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आपके लिए शानदार ऑफर, 20-10-23 से बजाज के कोई भी बाइक की खरीदारी पर फ्री पाएं एक स्मार्ट वॉच और धनतेरस के बुकिंग पे टाइटन का रिस्ट वॉच बिल्कुल फ्री, धमाका धमाका। प्रोप्राइटर माँ ऑटोमोटिव बजाज शोरूम बनमनखी राजेश बजाज की ओर से दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। संपर्क सूत्र 8298200701। बनमनखी अंतर्गत पंचायत धरहरा में 20-10-23 शुक्रवार के दिन जन संवाद कार्यक्रम बिहार पंचायत भवन में बनमनखी CEO अर्जुन कुमार विश्वास और RO बाल कृष्ण भारद्वाज के संयुक्त अध्यक्षता में किया गया, जिसका संचालन धरहरा मुखिया प्रतिनिधि धीरेन्द्र भगत के देखरेख में किया गया। इस जन संवाद कार्यक्रम में CI सह कर्मचारी एजाज आलम, कृषि विभाग से कुमार सचिव के साथ किसान सलाहकार जयकांत मंडल, PhD विभाग के मोहम्मद जुबैर, मनरेगा के अरविंद कुमार, PTA पशुपालन विभाग से डॉक्टर आनंद अकेला, चिकित्सा विभाग से बीना कुमारी आयुष चिकित्सक, TB रोग विशेषज्ञ दिलीप कुमार सिंह, नंदन कुमार विश्वकर्मा के अलावा जीविका के अमरकांत, जीविका दीदी, सभी धरहरा पंचायत के वार्ड सदस्य और तमाम पंचायत के गणमान्य जनता जनार्दन मौजूद रहे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वार्ड 17 में 17 स्कीम है, अब वो फंक्शनल है, उसको लेकर के अगर कभी कोई शिकायत है, कहीं लीकेज हो गया या अगर करेक्ट
उसको मौके की बता दीजिए, वो अगर सॉल्व कर देता है 1 से 2 दिन में तो ठीक है, नहीं करता है तो एक सरकारी नंबर भी है, टोल फ्री नंबर वो हम लिखवा देते हैं 1800 1234 1, इस पर कंप्लेन कर दीजिए। हम इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो वहाँ 4 लाख की सब्सिडी है, सिर्फ फर्क यही है कि ग्रुप में 8 लाख रुपया सब्सिडी मिलेगा और जो आदमी इंडिविजुअल किसान है वो अद्यतन LPC लगा के 1 एकड़ से जमीन यदि आप कोई भी चीज़ लगाते हैं मतलब सब्सिडी हैवी अमाउंट का होता है, उसका एक अमाउंट फिक्स होता है, जमीन का रकबा फिक्स होता है कि 1 एकड़ से ऊपर का LPC होना चाहिए, 1 एकड़ का 1 एकड़ से ऊपर का होना चाहिए। वो होने के बाद हम उस किसान को यदि वो ट्रैक्टर ले लेता है, जुताई का सामान ले लेता है, बुआई का सामान ले लेता है, कटाई का सामान ले लेता है, दौनी का सामान ले लेता है तो हम उसको 4 लाख तक का सब्सिडी एक बार हम उसको दे देंगे। मंडी का के बारे में जो सरकार से जिप्को पाचन संबंधी योजनाएं हैं उसमें प्लांटेशन पौधारोपण यह 5 वर्ष के लिए होता है, कोई भी निजी व्यक्ति जिसकी जमीन में आप अपनी जमीन में प्लांटेशन लगाना चाहते हैं तो आप अपना पंचायत में रोजगार सेवक को अपना नाम, अपना आधार नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि यह योजना आपको 5 वर्ष तक 1824 रुपये प्रति महीना जो आप वृक्ष को जीवित रखने के लिए 200 वृक्ष को जीवित रखने के लिए आपको प्रत्येक महीना सरकार आपके खाते में। माननीय बिहार सरकार के आदेशानुसार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसी में सरकार की जितनी भी योजनाएं हो रही है उनका क्रियान्वयन का क्रियाकलाप का आम जनता को बताया जा रहा है, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और हम लोग राजस्व विभाग से हैं इसलिए इस कार्यक्रम में हम लोग अपना भी योजना बताते हैं और अभी खास करके सरकार का एजेंडा है जो आधार सीडिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है उसी में रैयतों से उनके लगान रसीद का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर लिया जा रहा है। यही वर्क यहाँ पर हो रही है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम मोहम्मद इजाज आलम, राजस्व कर्मचारी पंचायत धरहरा। धन्यवाद। आप स्वास्थ्य चेक हो रहा है, सभी जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उन्हीं का हेल्थ चेकअप हो रहा है, यानी जन संवाद कार्यक्रम के तहत ही आप लोग चेकअप भी कर रहे हैं? जी जी। क्या परिचय? डॉक्टर बीना कुमारी, अनुमंडल अस्पताल बनमनखी। और आप किस विभाग से? हम TB विभाग से हैं, यानी चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए। चिकित्सा विभाग से जुटे हुए। क्या परिचय? दिलीप कुमार सिंह, वरीय यशमा पर्वशाला पर्यवेक्षक बनमनखी अनुमंडल। जी जी। और सर आप क्या कर रहे हैं? मैं नवीन कुमार, RBS के फार्मासिस्ट। मैम आप? किरण सिंह, RBS के CNM हुए। सर आप? मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, RBS के आयुष डॉक्टर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धरहरा से MS प्रदेशी।